बाद अपन आते हैं चौथे पॉइंट नंबर चार पर, जो है मंथली सैलरी। मंथली सैलरी में आपको बी प्लस सी डी और बराबर टोटल मिलता है, ठीक है। अगर आप बी में तीन मेंबर को जोड़ते हैं और सी प्लस डी में तीन मेंबर जोड़ते हैं तो आपके टोटल हो जाते हैं 6%। अगर 6% आपके हो जाते हैं तो आपको मंथली सैलरी मिलती है 500 रुपये। इसी के साथ अगर डायरेक्ट इन्विटेशन में 5% को आप बी में जोड़ते हैं और 10% को सी डी में जोड़ते हैं तो आपके टोटल 15% हो जाते हैं, जिसकी आपको मंथली सैलरी मिलती है 1000 रुपये। इसी के साथ अगर 10% आप बी में जोड़ते हैं और सी डी मिला के 20% करते हैं तो आपके टोटल 30% हो जाते हैं। 30% की सैलरी जो है वो 3000 रुपये मंथली। इसी के साथ आप डायरेक्ट बी में 20% को जोड़ते हैं और सी प्लस डी में 40% को जोड़ते हैं तो आपके टोटल पर्सन हो जाते हैं 60, जिसकी आपको सैलरी मिलती 8000 रुपये पर मंथ। इसी के साथ 40 मेंबर आप बी में जोड़ते हैं और 80 मेंबर आप सी प्लस डी में जोड़ते हैं तो आपका टोटल 180% होता है, जिसकी आपको सैलरी होती है 60000 रुपये। और इसके बाद हम बनाते हैं, आप अगर 100% को बी में जोड़ते हैं तो 200% को सी प्लस डी में जोड़ते हैं तो आपके टोटल होते हैं 300%। 300% होते हैं, जिसकी आपको सैलरी मिलती 1,20,000 रुपये। इसके बाद अपना आगे आता है, 200% आप बी में डायरेक्ट जोड़ते हैं और उसके बाद सी प्लस बी में अगर 500% आप डायरेक्ट जोड़ते हैं तो उसका टोटल पर्सन होता है 700%, जिसकी आपको सैलरी 2,00,000 रुपये मिलती है। ये 2,00,000 सैलरी काफ़ी ज़्यादा होती है, आप लोग समझ सकते हैं इस महंगाई वाली दुनिया में 1,20,000 रुपये या 2,00,000 रुपये या 60,000 या 25,000 कम से कम आना, ये अपना एक लक्ष्य होना चाहिए। इसको अपन को रखने के लिए HP ने एक मौका दिया है, तो इस मौके को अपन को ढूंढने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, लोगों को समझाना पड़ेगा, लोगों को गरीबी से दूर निकाल के लाना पड़ेगा। ये अपना कर्तव्य है, ये अपनी जिम्मेदारी है, समझ रहे हो आप? यस सर।